हेलो हाय दोस्तों, मैं मिसेज वीना उप्पल सुगर ग्रहणी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको चिल्ला बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन कल के लिए सॉरी। मैंने पिछला वीडियो जो आपको डाला है क्वेश्चन वाला, उसमें मैंने हाइपरटेंशन का बता रही थी कुछ, लेकिन वो वॉइस नहीं आई। और वो उसके बाद उसके लिए हाइपरटेंशन के लिए आपने सिर के नीचे लगाना है वो मसंट, वो जो है क्वेश्चन। लेकिन जो लो बीपी वाले हैं उनको पैरों के नीचे लगाना है। आई एम रियली सॉरी, उसके लिए आप ध्यान देना। अच्छा, अब ये चिल्ले के लिए मैं बता रही हूँ। इसके लिए ये मूंग दाल ली है मैंने, इसको रात को भिगो के रख दी थी, एक कटोरी ली थी। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसके लिए ये ग्रीन ये सॉस मैंने बना ली है, चटनी, और ये वाली मीठे वाली चटनी बना ली है मैंने। अच्छा, इसके लिए मैंने जो सामान तैयार किया है, दाल का आपको बता दिया मैंने, इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये मैंने दो तीन शिमला मिर्च ली है, छोटे वाली शिमला मिर्च लेना, उसमें बीज नहीं होते। और ये एक बड़ा प्याज मैंने क्रश कर रखा है, हरी मिर्ची अपने हिसाब से ले लेना, बहुत तीखी है मैंने एक ही ली है। और ये छोटे छोटे टमाटर मैंने दो तीन ये क्रश कर रखे हैं, ये चॉपर में क्रश किए हैं, आप वैसे काटना चाहो वैसे काट लेना, बारीक ही काटने होते हैं। और 200-150 ग्राम मैंने पनीर ये कद्दूकस कर रखा है ये अंदर भरने के लिए। और ये हल्का सा ड्राई फ्रूट, ये बहुत अच्छा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसके अंदर डालने के बाद। अब ये इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, ये आप भी निकाल दिया है। इसके मैं दही बड़े बनाऊंगी, दही भल्ले बनाऊंगी। और ये मैंने ले लिए ग्राइंड करके। अब इसमें मैंने क्या करना है, ये एक चम्मच आप बेसन डाल लेना, इससे बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, अब इसमें हल्का सा मैं नमक डालूंगी, रेड चिली, हल्का सा ये धनिया पाउडर है, और हल्का सा ये गरम मसाला, और ये हल्दी, क्योंकि वाइट वाइट अच्छे नहीं लगते। और आधा चम्मच मैंने हल्दी डाली है इसमें, और ये हल्का सा चिल्ली फ्लेक्स, बहुत अच्छे लगते हैं इसमें। ये हल्की सी थोड़ी सी अजवाइन, पिसी हुई अजवाइन है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी मैं। ये देखिए, ये देखो, ये पेस्ट मेरा ये तैयार हो चुका है। ये देखो, ये इसका गोल इस तरह होना चाहिए, ये देखो ऐसे, ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप ये चिल्ले हमेशा जैसे शादी में खाए होंगे उससे भी अच्छे बनेंगे, आप कहोगे वाह कितना वो है टेस्टी। अब क्या करेंगे हम, ये जो मैंने काट के रखा हुआ है ये कश्मीरी मिर्च है, प्याज, टमाटर, और ये सब मिक्स कर देंगे। ये पनीर डाल दिया, और इसमें ये ड्राई फ्रूट, इसमें अपन जो मसाले डालने हैं, ये देखो रेड चिली, हल्का सा ये अमचूर डालेंगे, नमक, क्योंकि कुछ नमक अपन ने उसमें भी डाल रखा है चिल्बे में, और ये इसमें ये देखो ये हल्का सा काला नमक टेस्ट के लिए, ये गरम मसाला, अच्छी तरह आपको मिक्स कर देंगे उसके बीच में भरने के लिए। अब ये तवा भी मेरा गर्म हो चुका है, ये देखो इस पे आप पानी का हल्का सा छिटा लगाएंगे, और ये गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। अब इसको आप साफ कर देंगे, ये हो गया।
अब आप इस पे इस तरह ये इसका और इसको एक ही पोजीशन में चलाते जाएंगे। बिल्कुल सेम आंच पे बनाना है। मटेरियल को इतने आप अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे चिलवे बनते हैं, आप बनाकर देखना, आपने ऐसे शादी में भी नहीं खाए होंगे जैसे ये बनेंगे। अब इस पे ये फैलाएंगे, ये डालेंगे मसाला जो बना रखे अपन। गैस को आप बंद कर देंगे। अब ये अपना तैयार हो चुका है। अब ये केचप अपना, ये मीठे वाली केचप है और ये हरी पुदीना वाली चटनी बना रखी है। अब आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी है, आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगी और आप बनाकर खाकर देखना। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। ओके बाय, थैंक यू।